दोस्तों पहला सेमीफाइनल मुकाबला लाखन माजरा कबड्डी टूर्नामेंट के इतिहास का। भाई टोटल अगर टीमों की बात करें तो 80 टीमों ने एंट्री कराई थी और 76 टीमें भाई इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। 4 टीमें बची हुई हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला लाखन माजरा वर्सेस सूर्यमुखी कबड्डी अकेडमी अमित हुड्डा के बीच। राजेश नरवाल पहली रेड में भाई बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी और भाई खेल को पलटने का मद्दा रखता है, बेहतरीन स्टार लगातार प्रो कबड्डी सीजन में देखने को मिलता है और बेहतरीन डुबकी लगाई भाई, कमाल की डुबकी, मल्टी पॉइंट रेड कर दी। जबरदस्त गेम, और भाई अमित हुड्डा को इस बार बाहर किया है हिमांशु। भाई ये खिलाड़ी गेम को पलटेगा बिल्कुल, वन टच पॉइंट। एक तरफ लाखन माजरा जिसको चैंपियन स्पोर्ट्स ने भाई स्पॉन्सर किया इस टूर्नामेंट में, बेहतरीन एंकल होल्ड, कमाल का टैकल। भाई 5-2, 5-1 स्कोर, 5-1 स्कोर, धीरे धीरे मुकाबला। भाई बहुत जबरदस्त गेम दिखाए सारे मुकाबले अमित हुड्डा अकेडमी ने, बोनस का प्रयास जरूर किया, क्या मिलेगा बोनस, बिल्कुल मिलता होगा बोनस। हिमांशु नरवाल 3 के डिफेंस में सुपर टैकल, एक और एम्प्टी राइट। भाई 3 खिलाड़ी कोर्ट में इस समय, लाखन माजरा के बचे हुए हैं जिसे चैंपियन स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किया हुआ। भाई सुपर टैकल ऑन, 3 खिलाड़ी कोर्ट में और हिमांशु नरवाल। भाई लाखन माजरा का जो डिफेंस है वो बहुत जबरदस्त डिफेंस है भाई, और क्या संघर्ष अभी भी जारी है, विशिल नहीं बजी है और विशिल बजती हुई भाई, बेहतरीन सुपर टैकल। समय काटते हुए बिल्कुल भाई घूम कर आए, वॉक लाइन क्रॉस की, और क्योंकि जान देते डू अड्डा यानी है। दावा किया है सुतानिया पर, क्या पॉइंट मिलेगा, और बिल्कुल भाई मिलता हुआ पॉइंट। बिल्कुल भाई शांत प्रिय मुकाबला चलता हुआ और दोनों तरफ 5-5 का डिफेंस। भाई बहुत जबरदस्त टीम दोनों ही, और मुकाबला बिल्कुल बराबरी का चलता हुआ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, एक तरफ चैंपियन स्पोर्ट्स दूसरी तरफ पॉइंट मिलता हुआ सूर्यमुखी अमित हुड्डा अकेडमी को, डोर डायरेक्ट और बेहतरीन टैकल देखने को मिला, कमाल का टैकल।
राजेश नरवाल भाई बहुत बेहतरीन मुकाबला, अभी तक मुकाबला बराबरी का देखने को मिला है, दोनों तरफ 5-5 का डिफेंस है और स्कोर की बात करें तो स्कोर भी लगभग समान है। राजेश को बेहतरीन एक और कैच लगाई है, कड़ी टक्कर देती हुई टीम लाखन माजरा बेहतरीन गेम दिखाती हुई। समय काटते हुए क्योंकि जानते हैं भाई लाखन माजरा के जो कोच हैं राजकुमार, जिनको रिंकू पहलवान के नाम से जानते हैं भाई, एक तरफ है लाखन माजरा की टीम तो दूसरी तरफ है भाई अमित हुड्डा एकेडमी सूर्यमुखी टीम, और एक तरफ भाई अनिल पहलवान जो कि कोच हैं अमित हुड्डा एकेडमी के सूर्यमुखी के, और दूसरी तरफ रिंकू पहलवान जो कि कोच हैं भाई लाखन माजरा टीम के, और दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन भाई खेल में मित्रता कुछ नहीं होती है भाई, जो सामने है खेल में वो सीधा शत्रु है। तो भाई दोनों आमने सामने, कौन जीतेगा कौन मारेगा इस मुकाबले में बाजी, रिंकू पहलवान की टीम या अनिल पहलवान की टीम, दोनों आमने सामने भाई बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। थर्ड रेड डू और डाई रेड, लाखन माजरा रोहतक की तरफ से जर्सी नंबर 9 में खिलाड़ी भाई, चैंपियन स्पोर्ट्स एकेडमी ने इस टीम को स्पॉन्सर कर रखा है, और बेहतरीन टैकल देखने को मिला, कमाल का टैकल। स्कोर 7-7 स्कोर बराबर भाई, 7-7 स्कोर बराबर है, जबरदस्त गेम दिखाती है दोनों टीमें, बिल्कुल कांटे की टक्कर। लेकिन तारीफ करनी होगी इन युवा खिलाड़ियों की, जिस तरह से सूर्यमुखी अमित हुड्डा एकेडमी को कड़ी टक्कर दी है अभी तक, क्या डैश देखने को मिलेगा भाई, प्रयास जरूर किया है। वन टच पॉइंट, क्योंकि भाई डैश जरूर देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह की फिलाई लगाई भाई, लॉबी में से सीधा हाथ सेंटर लाइन को क्रॉस किया, और अगर हाथ भाई सेंटर लाइन को बाहर से क्रॉस करता है तो तब रेडर को आउट दिया जाता है, और इसका प्रयास जरूर किया था। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, कड़ी टक्कर चलती हुई, पहला सेमीफाइनल मुकाबला भाई। लाखन माजरा कबड्डी टूर्नामेंट की बात करें तो 5 तारीख में टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, 80 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 76 टीमों का टिकट कट चुका है, 4 टीमें सेमीफाइनलिस्ट टीमें बची हैं अभी, और यहां से किसका सफर समाप्त होगा। बेहतरीन टैकल सामने से निकल कर आए, डबल थाई होल्ड करने का प्रयास, और जबरदस्त टैकल देखने को मिला, बिल्कुल भाई कड़ी टक्कर चलती हुई दोनों ही टीमों के बीच। पास के डिफेंस में एक और एम पीरियड देखने को मिलेगी भाई, जो बड़े मुकाबले होते हैं अक्सर उसमें देखा जाता है कि डू और डाई पर मुकाबले चलते हैं, और वही मुकाबला यहां देखने को मिला अभी तक। थर्ड रेड डू और डाई रेड, लाखन माजरा की तरफ से सूर्यमुखी एकेडमी के कोर्ट में बहुत बेहतरीन बचाव अमित का, एक और बेहतरीन टकल, कमाल का डिफेंस और बेहतरीन सपोर्ट आया अमित का। हिमांशु नरवाल भाई बेहतरीन किक लगाई थी, लेकिन उससे भी बेहतरीन भाई मोनू को किक जरूर लगाई थी, लेकिन भाई उससे भी बेहतरीन डैश देखने को मिला। पहला सेमीफाइनल मुकाबला लाखन माजरा कबड्डी टूर्नामेंट, राजेश नरवाल जर्सी नंबर 11 में, दोनों तरफ 5-5 का डिफेंस है, और स्कोर की बात करें तो साथियों स्कोर भी लगभग बराबरी की आसपास।
जबरदस्त बेहतर से बेहतर करने का प्रयास, क्या बेहतरीन है भाई। शकमा देते हुए राजेश को किक लगाई भाई, इसे कहते हैं समय पर पॉइंट मिलना। मान्यता प्राप्त रेडर कोई अंदर है नहीं, जर्सी नंबर 2 में। अक्सर आप इस खिलाड़ी को कवर की भूमिका में देखते हुए, और क्या बेहतरीन एंकल होल्ड भाई, कमाल का प्रदर्शन। ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई सूर्यमुखी अकेडमी, 3 खिलाड़ी कोर्ट में। तारीफ करनी होगी लाखन माजरा टीम की, जिस तरह का अभी तक गेम दिखाया है, बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन, चाहे रेडरों की बात करें या डिफेंस की बात करें, और बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया है सूर्यमुखी अकेडमी अमित हुड्डा को। भाई दावा जरूर किया है लेकिन नहीं, पर 3 खिलाड़ी कोर्ट में। अमित हुड्डा चौथा खिलाड़ी कोर्ट से बाहर, योगी किक लगाने का प्रयास है, और भाई जबरदस्त देख रहा होगा, बेहतरीन सुपर टैकल देखने को मिला है। जबरदस्त वापसी करती हुई टीम सूर्यमुखी एकेडमी, अमित हुड्डा पर भाई बिल्कुल टॉनिक की तरह काम करेगा ये सुपर टैकल, टॉनिक की तरह काम करेगा ये सुपर टैकल, क्योंकि एक रेडर अंदर आया है और 2 पॉइंट मिले हैं, जिस तरह का सेमीफाइनल दर्शकों को उम्मीद थी बिल्कुल ऐसा ही सेमीफाइनल देखने को मिला अभी तक। टाइम आउट लिया है अमित हुड्डा एकेडमी ने। भाई आप इस सेमीफाइनल की अहमियत समझ सकते हैं, 11-11 स्कोर बराबर है, दोनों टीमें बराबरी पर चलती हुई, बिल्कुल थर्ड रेड डू और डाई रेड भाई। करीब 2 मिनट के आसपास का समय शेष मध्यांतर में, और स्कोर की बात करें तो बराबरी पर मुकाबला, 11-11 स्कोर बराबर भाई। 80 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 76 टीमों का टिकट कट चुका है, और इस मुकाबले की अहमियत आप समझ सकते हैं, दोनों टीमें कितनी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि स्कोर अभी भी बराबर। एक और हाथी पलटी लगाने का प्रयास मोनुआए, सामने से जबरदस्त टैकल देखने को मिला, और लीड में आ गई अब लाखन माजरा भाई। ये जो किट है लाखन माजरा की टीम पर चैंपियन स्पोर्ट्स के नाम से, चैंपियन स्पोर्ट्स ने लाखन माजरा टीम को स्पॉन्सर किया है इस टूर्नामेंट के लिए। सुपर टैकल ऑन जर्सी नंबर 9 में, और एक और बेहतरीन प्रयास भाई, लगातार पॉइंटर जीत करती हुई लाखन माजरा टीम। मध्यांतर भाई, मध्यांतर के समय स्कोर की बात करें तो 13-11 स्कोर है, 2 पॉइंट की लीड इस समय रोहतक के पास भाई। 13-11 स्कोर है, 2 पॉइंट की लीड में लाखन माजरा रोहतक। भाई 30 सेकंड से ऊपर समय हो गया था और स्कोर बराबर हो गया है, स्कोर बराबर हो गया भाई, 30 सेकंड से ऊपर समय हो गया था रेडर का, और स्कोर हो गया भाई बराबर, 13-13 स्कोर बराबर भाई। बोनस का प्रयास शुरू किया है, और ज्यादातर बोनस भाई हांस पे क्लियर होते हैं, बोनस प्लस 2 भाई। भाई एक एक रेड पर मुकाबला बदलता है, एक एक रेड पर मुकाबला बदलता है, तो एक रेड हुई चैंपियन स्पोर्ट्स रोहतक की तरफ से, जिसमें सुपर टैकल मिल गया
सूर्यमुखी एकेडमी को, तो दूसरी तरफ से सुपर रेड लगा दी हिमांशु ने। तो जो मोमेंटम शिफ्ट था लाखन माजरा की तरफ, वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया अब सूर्यमुखी एकेडमी की तरफ। बेहतरीन टैकल, कमाल का। सेकंड सेमीफाइनल की दोनों टीमें बार में पहुंचे हैं, ग्रीन आर्मी वर्सेस भाई बहुत बेहतरीन। सेकंड मेरे जाना पहला रोहतक बार में पहुंचे हैं, और जैसे ही मैच समाप्त होता है आप ग्राउंड में रिपोर्ट करें। एक और एम्प्टी रेट, थर्ड रेट, डू ऑर डाई रेट। अमित हुड्डा एक और बेहतरीन टैकल भाई, कमाल का टैकल अमित का। मैं दोस्तों अभी तक जो मुकाबला देखने को मिला है बिल्कुल टक्कर का मुकाबला, कभी लीड में लाखन माजरा आ जाती है तो कभी लीड में सूर्यमुखी एकेडमी, और अब लीड में है सूर्यमुखी एकेडमी। राजेश नरवाल चार के डिफेंस में, पर बेहतरीन डिफेंस है ये लाखन माजरा का। और बेहतरीन टैकल भाई लाखन माजरा की तरफ से। और एम्प्टी राइट, भाई दोनों तरफ से मुकाबला डू ऑर डाई पर चलता हुआ, और थर्ड राइट डू ऑर डाई राइट, डू ऑर डाई राइट। कमाल का प्रदर्शन करता हुआ डिफेंस इस समय दोनों टीमों की तरफ से। दूसरे सेमीफाइनल की दोनों टीमें बार में पहुंच गए, मुझे आपको पता है मैच बिल्कुल समाप्ति की तरफ जा रहा है। रेड आउट भाई, और भाई मोमेंटम एक बार फिर शिफ्ट होता हुआ चैंपियन स्पोर्ट्स एकेडमी रोहतक की तरफ। और भाई जो टोटल सेट की बात करें तो लाखन माजरा का सेट इस मुकाबले में खेलता हुआ, स्कोर बता रहे इस मैच का, टाइम आउट लिया है स्कोर। भाई दो पॉइंट का अंतर है, 18-16 स्कोर है, और दो पॉइंट की लीड में सूर्यमुखी एकेडमी अमित हुड्डा। अमित हुड्डा भाई सामने से क्या बेहतरीन डैश है भाई, कमाल का डैश देखने को मिला है। चार काटे फेंसता और अमित का बेहतरीन डैश। मोनू पर दावा जरूर किया है, क्या स्वीकार किया जाएगा। भाई
भाई जो रिव्यू मांगा था रोहतक की टीम ने उसे खारिज कर दिया गया है। और भाई मल्टी पॉइंट रेड, बेहतरीन एक और रेड भाई, लाखन माजरा कमाल का प्रदर्शन करती हुई इस समय, और बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त गेम दिखाया लाखन माजरा ने, फिर वापसी कराई है मल्टी पॉइंट रेड के साथ। भाई सुपर रेड, कमाल की है सुपर रेड हिमांशु की, और हिमांशु ने भाई लगातार इस मुकाबले में सुपर रेड की हैं। भाई इस मुकाबले में लगातार मल्टी पॉइंट रेड है, सुपर रेड देखने को मिली है। और एक और पॉइंट बोनस प्लस वन भाई, फिर मल्टी पॉइंट ऐड कर दी भाई, 23-20 स्कोर है, 3 पॉइंट की लीड इस समय, 1 पॉइंट और, 3-2 लीड हो गई 5 पॉइंट की इस समय। सूर्यमुखी अकेडमी अमृतुड्डा के पक्ष में, और भाई लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में बोनस का प्रयास किया है, और टीम ने भाई बोनस को ओपन कर दिया है लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में, क्योंकि बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा। अमित का डबल थाई होल्ड सामने से आए, बोनस जरूर मिला है, 3 पॉइंट और मिलते हुए भाई। साथियों समय काटती हुई अब अमृतुड्डा टीम, 28-21 स्कोर है, 7 पॉइंट का अंतर इस समय स्कोर में, और पक्ष में सूर्यमुखी कबड्डी अकेडमी के। भाई दावा किया है, क्या स्वीकार किया जाएगा, बिल्कुल भाई कसमेबाजों का दौर है लगातार, पर भाई हिमांशु को रोकना कड़ी चुनौती रही है लाखन माजरा के सामने। और भाई एक और बेहतरीन मल्टी पॉइंट रेड, अंतिम 5 मिनट इस मुकाबले में शेष, और भाई ये बेहतरीन किक है, और भाई लीड इस समय 8 पॉइंट की, बोनस का प्रयास जरूर किया है। और भाई कटा हुआ बोनस नहीं दिया जाएगा, क्लियर बोनस दिया जाएगा। भाई दोनों तरफ से बोनस का प्रयास किया गया है, लेकिन लास्ट 4 मिनट का समय शेष, भाई दूसरे सेमीफाइनल की दोनों टीमों वार्म अप हो जाए, अंतिम 4 मिनट का समय अनाउंस कर दिया गया ऑफिशियल द्वारा। भाई बेहतरीन टैकल, बहुत ही सुपरस्टार खिलाड़ी है, इस मैच में सुपर 10 से ज्यादा स्कोर किया हिमांशु ने, कमाल का है, एक और पॉइंट अभी तो अकेडमी के पक्ष में। भाई समय काटते हुए राजेश जानते हैं कि अंतर बड़ा है और समय कम है, 3 मिनट के आसपास का समय शेष, अंतिम 3 मिनट का समय शेष, समय काटते हुए और एक और एम्प्टी रेट,
और बोनस मिलता हुआ, लेकिन भाई बोनस से काम नहीं चलेगा, बोनस प्लस मल्टी पॉइंट ऐड करनी होंगी। 7 पॉइंट की लीड अभी और अंतिम 2 मिनट के आसपास का समय इस मुकाबले में, 7 पॉइंट की लीड सूर्यमुखी अकेडमी अमित हुड्डा के पक्ष में। और भाई बेहतरीन टैकल, भाई बेहतरीन टोकी को तराशा ही किया है। बिल्कुल भाई समय काटते हुए, क्योंकि आप जानते हैं समय की सीमा है, एक दायरा है समय का, और वो समय समाप्ति की तरफ है। और पहले सेमीफाइनल का रिजल्ट आने में आपको कुछ ही चढ़वा की पहली फाइनलिस्ट टीम मिलेगी इस मुकाबले में। अभी तक अमित हुड्डा अकेडमी के पक्ष में मुकाबला, बोनस का प्रयास, वन वन ईच। आखिरी 1 मिनट से, लास्ट 1 मिनट का समय शेष, दोनों टीमें ग्राउंड में आ जाए, सेकंड सेमीफाइनल की दोनों टीमें ग्राउंड में आ जाए। जो कबड्डी के एक्सपर्ट ने क्योंकि तो मैच पूरे अनुमान लगाया था सूर्यमुखी अकेडमी रोहतक के पक्ष में जाकर फाइनल में देखने को मिलेगी सूर्यमुखी अमित हुड्डा अकेडमी, तो वो जो अनुमान है वो पूरा होता हुआ भाई, पहली फाइनलिस्ट टीम मिलती हुई सूर्यमुखी अमित हुड्डा अकेडमी रोहतक कबड्डी टूर्नामेंट की। भाई लाखन माजरा टूर्नामेंट बेहतरीन, ये टूर्नामेंट देखने को मिला, 2 मुकाबले शेष हैं, सेकंड सेमीफाइनल और फाइनल, मुकाबला समाप्त होता हुआ फाइनल में पहुंचती हुई अमित हुड्डा अकेडमी। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।